नमस्कार, मैं हूँ आरती परब। ये है प्रगति टाइम्स न्यूज रील। पेश है अभी तक की पांच बड़ी खबरें। आर्मी पर्चा लीक मामले में तीन गिरफ्तार। नौकरी के नाम पर 5 लाख रुपए व जेवर ठगे। गुजरात में 2 संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार। अमेजन लूटपाट मामले में 3 गिरफ्तार। फरार अपराधी दिल्ली में गिरफ्तार। आर्मी की परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में गोवा से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों को गोवा के अंजना गांव के बाहर से पकड़ा गया। इस मामले में महाराष्ट्र एवं गोवा से अब तक 18 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र में बैंक में नौकरी लगाने का झांसा देकर 5 लाख रुपए और जेवर ठगने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। गुजरात पुलिस के आतंकवाद रोधी दल ने रविवार को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए भारत में काम करने वाले 2 भारतीय आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। दोनों संदिग्ध आतंकवादी भाई हैं। संदिग्ध आतंकवादियों के पास 98 ग्राम बारूद, 2 नकाब, बम बनाने के काम आने वाली बैटरी और जूट से बने दर्जन भर पलीते बरामद हुए हैं। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेजन से गुरुग्राम में 18 लाख रुपए के सामान लूटने के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लूट में शामिल अन्य लोगों की तलाश जारी है। कई राज्यों में आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुके 2 वर्ष से फरार चल रहे एक अपराधी को दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया। हत्या की कोशिश, लूट और उगाही के 9 मामलों में वंचित